आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 34वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की और एक साथ 9 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों से प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। और निश्चित रूप से आज जैसा कि हम देखते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से प्रारंभ हुई है और हर व्यक्ति का सपना है कि वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठे। और ऐसा कभी हम विदेशों में जाते थे तब ऐसी ट्रेनें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ट्रेनें विभिन्न जगहों से जिस तरह से प्रारंभ हुई है, तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जिस तरह से देश के अंदर क्रांति आ रही है और जिस तरह से चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे आज अमृत भारत स्टेशन हो, ये सब देखकर निश्चित रूप से लगता है कि अब भारत हमारा विकसित होता जा हो रहा है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि आज यहाँ ये वंदे भारत के अंदर मैं अपना ट्रेन के अंदर भी बैठ रहा हूँ और एक अलग फीलिंग महसूस कर रहा हूँ कि कभी जिस तरह से इंजन वो डीजल वाली ट्रेन के अंदर बैठते थे और लेट आती थी ट्रेनें और समय पर नहीं पहुंचती थी, आज समय पर चलने वाली ट्रेनें और समय से पहले अंतिम स्टेशन पर पहुंचती है, तो निश्चित रूप से बदलता भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी इन 9 सालों में काम हुआ, ऐसा अगर पूर्व की सरकारों ने काम किया होता तो भारत हमारा कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ऐसी सरकारें रही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस बात के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बल नहीं दिया और उसी की वजह से हम इतने साल पीछे रहे। लेकिन अब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, अब चांद की ओर हम पहुंचे और सूरज की बात कर रहे हैं, बड़े विकसित भारत हो रहा है हमारा। ये जो आज वंदे भारत चल रही है, इससे पहले भी चली है, इसमें कहीं भी कोई पक्षपात नहीं किया गया, चाहे वहाँ पे भाजपा शासित सरकारें हो या कोई भी। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसा है कि इसीलिए उनको हर कोई व्यक्ति पप्पू नहीं कहता, शायद इसीलिए कहा होगा कि उनको दिखता नहीं है, उनको बदलते हुए भारत की तस्वीर देखनी चाहिए, उनको एक बार वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठ के देखना चाहिए कि कैसा परिवर्तन हो रहा है भारत के अंदर। पहले जब वो कभी ट्रेन में बैठते थे तो कैसी ट्रेनें होती थी, आज रेलवे कनेक्टिविटी है या एयरपोर्ट सुंदर सुंदर बनाए जाए, रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी को नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत करना है। और हिंदुस्तान की जनता के दिमाग में एक ही चीज़ है कि देश को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, ये घमंडिया गठबंधन जो बना है, ये घमंडिया गठबंधन कितना भी कर ले, लेकिन देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उदयपुर से चल रही है आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ पास में ही है। उदयपुर भी मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, आपको जानकारी भी नहीं है। हाँ जी, तो इस आपके निर्वाचन क्षेत्र से ये ट्रेन चल रही है और जयपुर तक जाएगी, इससे पहले भी वंदे भारत ट्रेनें राजस्थान में चल रही है और ये एक और नई ट्रेन मिली है, क्या कहना है आपको? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। रेलवे के सेक्टर में राजस्थान को और मेवाड़ को जितना मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे नई ट्रेनें चलना हो, ये अभूतपूर्व। जितना आप देखिए कि 2014 से पहले मात्र 650 करोड़ राजस्थान को मिले थे और 2014 के बाद 22-23 में 9,500 करोड़ का बजट राजस्थान को मिला। अमृत भारत स्टेशन में 82 रेलवे स्टेशन राजस्थान के डेवलप हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन में चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ऐसे कई स्टेशन हैं जहां बहुत बड़ा एयरपोर्ट जैसे स्टेशन बन रहे हैं। आज वंदे भारत ट्रेन चली है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए कम समय में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आप देखिए कि कैसे ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इसमें रिवॉल्विंग चेयर है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी सुविधा युक्त ट्रेन है। तो मैं निश्चित रूप से रेलवे के सेक्टर में, चाहे रोड के सेक्टर में, चाहे सिविल एविएशन के सेक्टर में जितना हुआ है वो अभूतपूर्व है और इसका मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। सर, राजस्थान में इतनी सारी उपलब्धियां बता रहे हैं, इतने सारे कार्य जो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वो आप बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना, चूंकि चुनाव आगे होने हैं, उनका कहना है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान, हर जगह पर कांग्रेस जीतने जा रही है। उनका कहना है कि राजस्थान में थोड़ा हम पीछे हैं, लेकिन इसको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे और हम यहाँ भी सरकार बनाएंगे। सपने देखना छोड़ दे, पहले जो वादा किया था 2018 में हम संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे,
हम बेरोजगारी बता देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे, हम सुशासन लाएंगे। क्या हुआ राजस्थान? किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार हमारा युवा साथी कमर कस के बैठा है कि कब चुनाव आएगा और हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। महिला नारी शक्ति अपने आप को असुरक्षित मानती है, वो भी समय देख रही है कब चुनाव आता है। तो राजस्थान में चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, हर वर्ग त्रस्त है। और राहुल गांधी जी को सपने देखना छोड़ देना चाहिए। ये राजस्थान है, स्वाभिमानी धरती है, और इस धरती में हिसाब चुकता बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता करेगी। एक आखिरी सवाल है, इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ है। इंडी गठबंधन में जेडीयू शामिल है, और जेडीयू के नेता खुल करके कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनका नाम जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें कोई एक नेता का नाम तो डिक्लेयर करें आप, ये INDIA पहले भी इन्होंने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। अब इस इंडिया में भी INDIA में भी डॉट डॉट लगा दिए। 2023 और 24 में जनता ये डॉट हटाकर एक गौरवशाली भारत जो पहले था, आज भारत विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में बढ़ चला है। इसलिए ये मौका परस लोगों का गठजोड़ है, जो एक दूसरे को गाली देते थे, जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आखिर किस लिए इनका गठबंधन हुआ? ये गठबंधन इस बात के लिए क्या कि भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया? क्या ये गठबंधन इस बात का है कि भारत को G20 करने की अध्यक्षता करने का गौरव मिला? क्या गठबंधन इस बात का है कि भारत में हमारा बरसों पुराना सदमा प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटी है? आज जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी जी के 9 वर्ष के कालखंड में, वो जो कभी किसी ने सोचा नहीं। चाहे गरीब कल्याण के काम हो, हर घर में शौचालय, आवाज, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जिस प्रकार से जनधन के खाते, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। जो आप, और दावे के साथ कहता हूँ, 60 साल बनाम 9 साल, ये 9 साल उन पर सब पे भारी है। तो मुझे लगता है अपनी खिसकती हुई धरती जमीन को बचाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जनता इन सब के बारे में जानती है।